दोस्तों, डिजिटल इंडिया के ज़माने में भला कौन है जो ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ नहीं करता है? ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों होता कैसे है, यानी वो किस माध्यम से होता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि पेमेंट गेटवे क्या है, यानी जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर पाते हैं वो क्या होता है, और कौन सा ऐसा पेमेंट गेटवे है जो बेहद ही सिक्योर और सुरक्षित है आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पेमेंट गेटवे दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, यानी आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, बस बुकिंग हो, या कोई शॉपिंग साइट हो, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो वह एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही होता है। इसको और अधिक जानने के लिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वेबसाइट पे, गेटवे की वेबसाइट में। अब आप देख पाएंगे कि ये है एक पेमेंट गेटवे की एक वेबसाइट है जिसका नाम है ccavenue.com। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे जो होता है, हमारा पेमेंट प्रोसेस करने का पूरा माध्यम वही होता है। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज का हो, टिकट बुकिंग का हो, किसी फॉर्म को लेकर हो, या कोई भी सर्विस जिसका पेमेंट हम ऑनलाइन करते हैं, वह सभी एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही होता है। पेमेंट गेटवे जस्ट एक हमारा माध्यम होता है, हमारा पेमेंट प्रोसेस करके उस मर्चेंट या सेलर के पास हमारा पैसा पहुंचा के उस ऑर्डर या उस फॉर्म को कंप्लीट करके हमारे पास रिटर्न में उसका स्लिप या उस सर्विस का प्रिंट आउट हमें प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों आज के समय में आपने देखा है जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म हो या कोई भी सर्विस हो, हर चीज किसी के लिए एक पेमेंट गेटवे निर्धारित है, और उस पेमेंट गेटवे में आप जाकर ही एक पेमेंट डन करते हैं, और उस पेमेंट डन होने के बाद ही आपको उस सर्विस का लाभ मिलता है। लेकिन आज के डिजिटल और एक कहना चाहिए दोस्तों कि फ्रॉड टेक्निक के युग में, क्योंकि जितना ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके साथ साथ आपका फ्रॉड एक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो पेमेंट गेटवे में पेमेंट कर रहे हैं, यानी अपना डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह सिक्योर पेमेंट गेटवे है या नहीं, इस वीडियो में आज की डिटेल आपको यही जानने को मिलेगी कि पेमेंट गेटवे सेफ कौन सा है, जिसमें आप अपनी सारी जानकारी बिना किसी हेजिटेशन के डाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आपके सामने खुला हुआ है सी सी एवेन्यू, ये जो इंडिया के ऐसे यूएई और यूएसए में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बेहद सिक्योर और सुरक्षित पेमेंट गेटवे है दोस्तों, और ये बहुत पहले से चलती आ रही है। इसका ड्यूरेशन बहुत पहले से है, यानी ये काफ़ी समय से एक्टिव है भारत में, और जो अपनी पेमेंट गेटवे सर्विस को दे रही है। यहाँ पे आप अगर सेफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डायनेमिक इवेंट नोटिफिकेशन, मार्केटिंग टूल्स, शॉपिंग कार्ट प्लगइन, सीएवेन्यू स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये दिया हुआ है, ये इसकी सर्विसेज हैं। और इसको दोस्तों देख पाएंगे आप यहाँ पे, इसको बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका है, यानी ये पूर्णतः सुरक्षित है। और इतने सारे यहाँ पे आप नीचे भी देख पाएंगे कि 85% ऑफ इंडिया की जो मर्चेंट है, सबसे ज़्यादा सीएवेन्यू का ही गेटवे यूज़ करते हैं। इस तरह जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पे ध्यान दें, ऐसा आपके पास प्रोमोशनल ऑफ़र आया है फॉर्म भरने का, उसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं, या कोई डोनेशन आप ऑनलाइन चैरिटी डोनेशन या चैरिटी के लिए फंडिंग करते हैं, पेमेंट देते हैं, उस समय आपको दोस्तों बेहद ही ध्यान देने वाली बात होती है कि आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका पेमेंट गेटवे कौन सा है। चूँकि आपका जो पेमेंट है, यानी जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उस पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। तो अगर आपका पेमेंट गेटवे ही सेफ नहीं होगा, तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं वो उस पेमेंट गेटवे के माध्यम से हैकर के पास चले जाएंगे, और उससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। यानी अगर आपको सेफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कौन है, यानी वह सेफ है या नहीं है। तो अब आपको बता दें दोस्तों, तो सेफ कौन कौन से पेमेंट कैसे गेटवे हैं, या जो टॉप पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दोस्तों आपका ccavenue.com, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे पॉपुलर है BillDesk.com है, ये भी बेहद पॉपुलर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ये स्टेट बैंक में और भी कई सारे फॉर्म भरने में यूज़ होता है, ये भी बहुत सिक्योर पेमेंट गेटवे है। और भी है दोस्तों पेमेंट गेटवे जिसका हम नाम बताएंगे आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ACI World,
वाइट ये भी एक पेमेंट गेटवे है, बट इसके बारे में श्योरिटी नहीं देते हैं कि ये सिक्योर है या नहीं है। इस तरह बहुत से ऐसे पेमेंट गेटवे और भी आपको मिल जाएंगे। अब एक है दोस्तों पे यू बीज, ये भी पेमेंट गेटवे बहुत यूज़ होता है। ये सब आप दोस्तों अगर आप देख पाते होंगे तो आपको समझ में आता है, अदरवाइज आप इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पेमेंट गेटवे है क्या। आप ऐसा कीजिएगा, आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन पेटीएम से ऑनलाइन, सॉरी पेटीएम से नहीं, पेटीएम खुद का एक गेटवे है उसका, ऑनलाइन कोई भी मर्चेंट साइट से, जैसे आप हो गया शॉपक्लूज़ हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इनमें जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इनका पेमेंट गेटवे क्या है। एक दोस्तों ये है आपका पेयूबिज, ये भी एक पेमेंट गेटवे है। तो इस तरह आप कोई भी पेमेंट गेटवे में पेमेंट करने से पहले उसकी प्रामाणिकता यानी उसकी श्योरिटी देख लीजिए कि वो सेफ़ है या नहीं है। अगर आपका पेमेंट गेटवे सेफ़ है दोस्तों तो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी आप करेंगे कोई भी रिकॉर्ड उसमें सेफ नहीं होगा और वो पूर्णतः सेफ रहेगा। अब दोस्तों पेमेंट गेटवे आपका फ़ंड ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ अपनी सर्विस चार्ज लेते हैं, यानी वह उस फंड ट्रांसफ़र करने के पीछे एक सर्विस चार्ज लेते हैं जो कि जो वेबसाइट का, मतलब जिसने उस वेबसाइट को बनाया है, जो वेबसाइट का ऑनर है, उस वेबसाइट के ऑनर से उसका एक मिनिमम चार्ज लेते हैं। यानी पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो फंड ट्रांजेक्शन होता है मर्चेंट और कस्टमर के बीच, उसके मध्यस्थता का ये काम करते हैं, उनकी एक मिनिमम फीस ये लेते हैं ईयरली, जो भी उनके साथ बॉन्डिंग होती है। इस तरह वो फंड ट्रांजेक्शन का काम करते हैं एक मेडिएटर के रूप में, और आपका जो पैसा है वो डिडक्ट करके मर्चेंट या जो भी उसका वेबसाइट का ऑनर होता है उसके पास पहुंचा देती है। तो इस तरह दोस्तों मीडिएटर का काम तो करती हैं, साथ ही साथ ऐसे कई सारे पेमेंट गेटवे हैं जो आपका फंड तो रिलीज़ करते हैं दूसरे एक को देने के लिए, उसके साथ ही साथ आपका डाटा लीक कर देते हैं, यानी वो आपके सारे ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग का ID पासवर्ड सेव कर लेते हैं अपने गेटवे के अंदर और थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देते हैं, या जिससे आपका बैंक खाली हो सकता है ऐसे लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए आप कोई भी पेमेंट गेटवे में दोस्तों पेमेंट करने जा रहे हो तो उसकी एक बार प्रामाणिकता जांच लें, उसके बाद ही उस साइट से या उस डोमेन से आप उसका पेमेंट कीजिए। तो होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। कोई भी दोस्तों अब आपको क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।